तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक ऐसे टैलेंट को, ऐसे विनर को सम्मान देने के लिए। मतलब इनको वर्ड्स में तो नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। तो नीट 2023 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने वाले कैंडिडेट हमारे साथ हैं और आज इनकी जर्नी के बारे में हम लोग बात करेंगे। डेफिनेटली बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत ही प्रेरणा मिलने वाली है। और मैं चाहूँगा, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी स्टोरीज सुन के जरूर जो भी इंस्पिरेशन मिल सकती है लेना चाहिए, और जर्नी से जो भी लर्निंग मिली उसे अपनी जर्नी में इम्प्लीमेंट डेफिनेटली करना चाहिए टू गेट फॉर सक्सेस इन जेई एज वेल एज नीट 2020, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वार्म वेलकम टू पीयूष झा, नीट 2023 रैंक 88 एंड थर्ड रैंक इन जनरल EWS कैटेगरी। वैसे तो अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ यही बताएगा, ठीक है। मैंने भी पूरी स्टोरीज देखी हुई है, सुनी हुई है, जानी हुई है। मतलब बच्चों को हम लोग देखते हैं, इतने सारे रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, फिर भी उनके कुछ ना कुछ एक्सक्यूज रह जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट में इतना बड़ा धमाका करके दिखाते हैं कि कई बार हम लोग बिलीव नहीं कर पाते यार, इतना कुछ भी नहीं है उसके बावजूद ऐसे कैसे। तो आज इसी के जवाब हम लोग सुनेंगे कि कैसी रही है जर्नी, क्या क्या अप एंड डाउन्स आए, उनको कैसे हैंडल किया, कैसे अपने आप को इस पूरी जर्नी में मोटिवेट रखा, क्या क्या ड्राइविंग फोर्स रहे, ये सारी बातें पीछे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पीयूष, मैं बच्चों की तरफ से सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, जो क्योंकि हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस है कि कहाँ बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू कि इस पूरी जर्नी में अपने आप को मोटिवेट रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि बच्चे आते तो पूरे जोश से पूरी एनर्जी के साथ आते हैं कि बस 2 महीने के अंदर यही और नीट क्रैक कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे कहीं देखा जाता है कि ये जो जोश है कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी वीक पड़ने लग जाती है, ठीक है। तो कई बार एक ऐसी स्टेज में बच्चे इन्हों कहते हैं यार जो होगा देखा। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने आप को कीप वर्किंग वाले मोड में कैसे रखा, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए, ये टिप तुम्हारे मुझसे बच्चे से। मैं अपना तरीका बताना चाहूँगा, मैं डेली अपने गोल्स को सेट करता है सुबह सुबह और उसको पूरा करना ही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। मैं ये नहीं सोचता कि 2 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद टीम में क्या होने वाला है या फिर जब मेरे कितने नंबर आएंगे, कितनी रैंक आएगी। मैं अपना डेली का शेड्यूल बनाता था, गोल्स अलॉट करता था और उसको पूरा करने की कोशिश करता था। और जो नियरेस्ट टेस्ट है 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद, उसके लिए मैं पूरी उसके टेस्ट का जो सिलेबस है उसको पूरी अच्छी तरह से करता था। फंक्शन प्रैक्टिस है जो भी, उसके लिए टेस्ट पढ़ना है, रिविजन करना है, उसके लिए अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करता था। और मैं ये मान के चलता था कि टेस्ट में जितने नंबर आ रहे हैं और जो भी मेरा पोजिशन है वही जाके नीट में इम्पैक्ट होने वाली है। तो यही था कि टेस्ट वाइज में प्रिपेयर करता गया और जब पता नहीं चला कब नीट आ गया और टेस्ट में भी कंसिस्टेंट मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे। और नीट के वाले दिन मैं कामन कंपोज जाने की कोशिश की और नीट का पेपर आसान था, इसलिए अच्छे नंबर आ गए। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि टेस्ट की बड़ी इम्पोर्टेंस है, राइट। तो ये अपना सेल्फ असेसमेंट भी करते रहना कि हमने आज तक कितने टेस्ट मिस करे हैं, नहीं करे। तो कुल मिलाकर बात ये है, मैं एक बात और शेयर कर रहा हूँ उसके बारे में, जाके आपको कन्वे भी करेगा। पहले अटेम्प्ट में ही गॉट 615 मार्क्स, तो 615 मार्क्स थे। 615 मार्क्स पर ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिली जाती है, ठीक है।
आराम से मिल जाता है, बट थोड़ा ड्रीम बड़ा था। ठीक है, ड्रीम जब एम्स का हो या इस लेवल का हो तो ऑब्वियस सी बात है 615 नंबर कम पड़ जाता है। नीट में तो बढ़ जाते हैं इस परसेंटेज में, जेई में तो काम बहुत बढ़िया हो जाता है, लेकिन नीट में कम। तो ये बहुत बड़ा, मतलब मैं बोलूँगा बहुत बड़ा कलेजा चाहिए 615 नंबर को छोड़ देना, ठीक है, वरना मतलब नीट एस्पिरेंट कोई छोड़ेगा नहीं 615 का। लेकिन उसके बाद इसके अपना को सेकेंड चांस देगा, और सेकेंड चांस में 720 में से 706 नंबर इसमें स्कोर, तो 720 से 706 में मानूंगा कि पूरे की हैं। 14 मार्क्स को बस ठीक है, सब कुछ थोड़ी कैसे मैं इसकी वजह से चले गए होंगे, वरना जितने भी 700 के ऊपर कैंडिडेट हैं मैं उन सबको मानता हूँ 720 में से 720 वाले ही, राइट। तो टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो भी बात करेगा हमें बहुत सीखने वाली है और अपनी जर्नी में इम्प्लीमेंट करने वाली है। टेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और फर्स्ट टाइम इसने मुझे बताया कि जब ये 615 नंबर आए थे तो वहाँ पर लास्ट 2 मंथ तो भी बताओ यार। पहले टाइम्स में एक्चुअली आप पढ़ते एंड सम ऑनलाइन बैच और उसके सारे लेक्चर्स मैंने लिए, सारी एक्टिविटीज की जो भी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते थे वो दिया, और स्कोर लगभग 640 से ऊपर ही रहता था। फिर लास्ट आते आते मुझे लगा कि मुझे सब कुछ आता है और मुझे टॉप करना है, तो इतना ही किसी ने मुझे सुना कि यार शॉर्ट नोट्स बड़े अच्छे होते हैं और रिविजन में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके पास वो होता ही है। तो मैं शॉर्ट नोट बनाने में लग गया, इसी कारण मतलब कोई भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन नहीं कर पाया, और मैंने मतलब OMR की बहुत कम प्रैक्टिस कर रखी थी और मॉक टेस्ट भी काफ़ी कम दिए, जिसके कारण 615 मेरा फिक्स हो जाएगा। तो काफ़ी एक दिलचस्प थॉट था, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट देता 640 से मतलब ऊपर बैठे 615 के पास आस पास जा सकते हैं, और OMR की लिंक की आर टी वैसे 615 रह गए, कोई कोर्ट नहीं होता, तो मुझे लगा कि डूएबल है। और मतलब टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेस्ट में जो हम सीखते हैं वो हम मतलब लेक्चर के दौरान या फिर कोई टीचर लेक्चर दे रहे हैं हम सेल्फ स्टडी में नहीं सीख पाते, क्योंकि टेस्ट में एक टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम के दौरान हमें सब कुछ जाना है। 200 क्वेश्चन अगर टाइम लिमिट ना हो तो हर कोई हर बच्चा ठीक कर देगा, लेकिन उसको 3 घंटे में पूरे स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना, हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअल क्वेश्चन मान के कि हाँ ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन रीड करते वक्त उसको अंडरलाइन करना, ये सब चीज़ें अगर हम टेस्ट देते ही समझ में आती है, और धीरे धीरे अगर हम अपने टेस्ट को लेकर कॉन्शियस है कि क्या क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, तो टेस्ट में अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हर एक टेस्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दूँ और उसको अच्छे से एनालाइज करूँ, कोई भी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करूँ, और क्योंकि आप कभी भी धीरे धीरे टेस्ट लेके आते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार मोस्टली जो 750 में से एक दो क्वेश्चन ही ऐसे जो कंसेप्चुअली हमें नहीं आते थे, मतलब यार किसी क्लास में ट्राई नहीं गई है, बाकी लगभग 700 नंबर का तो हमें आता ही है, जब हम आके सॉल्यूशन देखते तो लगता है यार ये तो जस्ट पॉइंट ऑफ मोमेंट था कि उस टाइम हमें ठीक नहीं थी। तो यही अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होगे या फिर इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी ज़्यादा जल्दी क्लिक करने में, या फिर उस टाइम सही थॉट प्रोसेस करने में, ताकि वो आप क्वेश्चन आंसर वो जल्दी से जल्दी बन सके। तो टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी इतना ज़रूरी वीकली लेक्चर लेना होता है, ज़रूरी टेस्ट देना होता है, टेस्ट कितना हो सकता था कि ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसी में ही 680, 690, 700 तक पहुँच सकता था, बट शॉर्ट ऑफ टेस्टिंग, शॉर्ट ऑफ एनालिसिस, शॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन टेम्परामेंट उतना अब तो हमारा रिजल्ट नहीं मिल पाया। और सेकेंड टाइम इसने उन्हीं चीज़ों को रेक्टिफाई करा, ठीक है, जब हमसे कनेक्शन हुआ तो ही डिमांडेड ओनली वन थिंग, सर टेस्ट एंड डिस्कशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो उसी पर हम लोगों ने बात करी, रिजल्ट इज फ्रंट ऑफ। हम एक और भी क्वेश्चन हैं जो कि बच्चों की, बताओ NCERT कितनी बार पढ़ी थी सर, नेम कार्ड पर आता ये भी जानना बहुत जरूरी। देखो सबसे पहले तो जब टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके बाद पहली बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जितनी भी बार टेस्ट आ रहा है तो कोशिश करो कि अगर टेस्ट के लिए बायो के कोई जितना जो चैप्टर पढ़ो शॉर्ट अपने नोट्स या फिर शॉर्ट नोट जो भी पढ़ रहे हो उसके बाद टेस्ट में एक बार NCERT पढ़ के देख लिया, तो ऐसे ही टेस्ट में वापस चैप्टर एक मिल होते हैं, लास्ट में भी मैंने एक दो तीन बार पढ़ा था, तो इसे मिला के लगभग 5-7 बार हो गए कोई NCERT पाए, और बाकी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक 3-4 बार हो गई थी, और बाकी लगभग एक बार तो
चार बार पढ़ा है और फिजिकल एक बार ही पढ़ लिया, मतलब एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए नहीं जरूरी थी क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे क्वेश्चन को इंटरप्रिटेशन स्किल्स जो है उसको भी बेटर करते हैं कि हाँ हम क्वेश्चन पढ़ लिए जल्दी जल्दी समझ सकें कि क्या क्या पूछ रहा है, क्योंकि वही एट एंड ऑफ द डे वही लैंग्वेज क्वेश्चन में भी यूज़ करने वाला है। और अगर आप मतलब एक बार एक्शन लेने के बाद एनसीईआरटी तुरंत बोलते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपके सबकॉन्शियस तक वो बात पहुँचती है और शॉर्टर मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बात चली जाती है और आप उसको जल्दी भूलोगे। एनसीईआरटी तो कह सकते हैं कि नीट के लिए एनसीईआरटी क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल और ऐसे मॉड्यूल को आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो, मतलब उसकी थ्योरी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे डिस्कस करने के बाद में नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी थ्योरी पे जा सकते हो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको मॉड्यूल से लेनी है। अगर मॉड्यूल आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप कोई भी एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उठा सकते हैं, जैसे स्टडी पांडे हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री में होगा, नरेंद्र अवस्थी नीट वाली हो गई, तो कोई भी एक बुक की पकड़ो आप मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग जेई में भी बोलते हैं और नीट में भी ये बात सही है कि आपके पास जो भी है आपको बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है, लेकिन आपको जो भी है रिपीटेडली अगर आप वही कर रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। टीचर्स जो भी आपका नोट्स दे रहे हैं ये तो की है क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस उन नोट्स में आपको दे दिया, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के लिए आपके पास मॉड्यूल स्टडी मटेरियल है, ठीक है, इतने सारे टेस्ट होते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, तो ये मोर देन सफिशिएंट है और ये प्रूव्ड है सामने आता प्रूव कि इतना ही करके और इसी को ही बार बार करके फुल मार्क्स भी लाए जा सकते, राइट। और कुछ ऐसा मतलब जर्नी के बारे में अपने बताना चाहते हो कि क्योंकि इस जर्नी में काफ़ी अप एंड डाउन रहते हैं, काफ़ी कई बार डिप्रेसिंग सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर कई बार मार्क्स कम आ जाएंगे, कई बार कोई चैप्टर बहुत मुश्किल लगा होगा, ये भी डिप्रेसिंग सिचुएशन हो सकती है, तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन फेस करी, कोई ऐसा चैप्टर आ गया समझ में नहीं आया, किताब उठा के छोड़ दी यार मन नहीं आ रहा, तो मतलब ये बैलेंसिंग कैसे बनानी है क्योंकि हर वक्त कोई पढ़ तो सकता नहीं, अपने फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए कुछ रूटीन था ये कुछ कर रखा था कि एनर्जेटिक रहें। शुरुआत में एक्चुअली जब ब्लॉग जब ब्लॉग स्टार्ट हुआ तो मेरी कोशिश थी कि सुबह सुबह अपने फिजिकल आस्पेक्ट पर ध्यान देना है, पार्क में जाके थोड़ा वॉक आउट हो गया, एक्सरसाइज मेडिटेशन योगा करना है, तो उसी में ध्यान देता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम देता गया वो टाइम मैंने जल्दी से यूज़ कर दिया, उसका मतलब इफेक्ट तो पड़ता है, आप पूरे दिन अपने आप को ड्राइव कर सकते हो, सही पोस्टर में सही फोकस के साथ पढ़ सकते हो अगर आप फिजिकल आस्पेक्ट पर ध्यान दें, बाकी कोई भी चैप्टर हो सकता है आप फ्रेंड से कई बार डिस्कस करते हो, आपको लगे कि सारे बच्चे बोले कि एक चैप्टर मुश्किल है, आप मतलब कभी भी चैप्टर किसी भी चैप्टर को मुश्किल मत बोलो, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात करो, कंसेप्ट एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को पढ़ोगे तो हमेशा आसान लगेगा, मुझे ऐसा कोई चैप्टर लगा नहीं कि ऐसा लगा कि ये मुश्किल है, उसके किसी की रीज़न के फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि मतलब किसी भी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया होगा तो मतलब उसने क्यों किया होगा, ऐसा तो नहीं कि कोई नालायक ने किया होगा, मतलब उसकी साइंटिफिक ड्यूटी को समझने के लिए आप कंसेप्ट तो प्रोफेशनल कम से कम यही करो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त आपकी रीड एंड एक्टिविटीज पर आपको ध्यान देना ही है, पढ़ते वक्त आप ग्रीड ही मत करो, सिर्फ प्यार करो बस जो भी आपको कम होगा बट ऐसा सिस्टम की यही रहती है कि थोड़ा सा अंदर से मोटिवेटिंग फैक्टर रहे पढ़ने के लिए। अच्छा लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शंस थे क्योंकि इन सब के बाद तो है भाई डिस्ट्रैक्शंस तो होते ही, तो वो कैसे मैनेज करना थे ये डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, तो कैसा तुम्हारी लाइफ में था डिस्ट्रैक्शन।